एग्जाम स्टॉक्स में आपका स्वागत है। यहाँ मिलता है आपको सरकारी एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी 2018 एग्जाम के जीके जीएस के प्रश्नों का सॉल्यूशन का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम इस सीरीज में दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब जिसे 1857 में इंग्लैंड में स्थापित किया गया था वह था शेफील्ड फुटबॉल क्लब, जिसे इंग्लैंड में स्थापित किया था, यह पहला फुटबॉल क्लब था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल का क्वथनांक क्या है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 78 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को। और दोस्तों इसके साथ आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है और 4 दिसंबर को इंडियन नेवी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दोस्तों देखेंगे अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण में वस्तु को सी और एफ के मध्य वास्तविक उल्टी और छोटी छवि प्राप्त करने के लिए कहाँ रखा जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी से परे रखा जाना चाहिए, तो यानी कि सी पे ही रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत पाठ में संत तंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है और इसमें 72 तार होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संतूर, यानी संतूर में 72 तार होते हैं। आपको तार से याद रखना है, अगर तार पूछे कि कितना तार होता है तो इसमें संतूर आपको लगा देना है आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पश्मीना एक भारतीय अमेरिकी लड़की की करुणात्मक कहानी है, इसकी लेखिका कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा निधि चेनानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुनर्जन्म के साथ साथ बडिंग द्वारा उत्पन्न हो सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा, यानी कि हाइड्रा बडिंग द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दोस्तों आपको बता दें कि पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, आजादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1952, यानी कि 1952 में ही पहले आम चुनाव हुए थे, यानी कि आजादी के बाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सोना घुलनशील है, यानी कि सोना किसमें घुलनशील है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक्वारेजिया में सोना घुलनशील है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निश्चित अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ प्राउस्ट ने इसका नियम प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्री उडीपी रामचंद्र राव को 2017 में उनके इस क्षेत्र में योगदान के लिए पद विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उन्हें पद विभूषण सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था, यानी कि ये कब किया गया था? दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेघालय की प्रमुख फसल कौन सी है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनानस। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को खाने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा Fe, यानी कि Fe विद्युत ऋणात्मक तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को यानी कि ज्यादा गेन करता है दोस्तों, इसलिए इस पे माइनस चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन देखें, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा ऊर्जा को प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस रेट को यानी कि इस दर को रेपो रेट कहा जाता है, इस दर से आरबीआई ग्राहकों को ऋण देती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा गृहित की गई थी, यानी कि संसदीय सरकार की अवधारणा ब्रिटेन से लिया गया था। और दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता दूं कि नीति निर्देशक तत्व जो संविधान में है वो आयरलैंड से लिया गया था, उसके बाद मौलिक अधिकार आपका जो है वो यूएसए से यानी कि अमेरिका से लिया गया था, और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था यानी कि रशिया से लिया गया था। दोस्तों 19वां नंबर क्वेश्चन है, 2018 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म। और दोस्तों इसके साथ मैं बता दूं कि अगर आपने इस चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हमारी जितने भी लेटेस्ट अपडेट और जो भी नया नया वीडियो आएगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा।
अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन हमारे वीडियो का, इस वीडियो का। तो 20वां नंबर क्वेश्चन, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा किए गए तकनीकी ऑस्कर 2017 को जीता था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा IIT के पूर्व छात्र पराग हवलदार ने। दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां ज्वाइन कर लें, वहां भी मैं इसका वीडियो डालता हूं। और दोस्तों फेसबुक ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उससे भी ज्वाइन कर लें आप, ताकि आपको और सारे भी प्रश्न वहाँ पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।